हे गाइस, आई एम मांशु। वैसे तो मैं ट्रैवल व्लॉगर हूँ, बट आज मैं आप लोगों को कहीं घुमाने नहीं लेके जाने वाला, बल्कि आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं इतने दिनों से कहाँ गायब था, मेरी वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। इस वीडियो में आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। पहला कि मैं क्यों गुड़गांव से अपने होम टाउन शिफ्ट हो गया, और दूसरी चीज़ है कि कैसे मैंने ट्रैवल किया और क्या प्रोसेस है एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने का, और तीसरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 1 लाख रुपये से ज़्यादा की सेविंग कर ली लॉकडाउन के दौरान। आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आज आप लोगों से बात करने को मिल रहा है। प्लस लास्ट जो मैं दिसंबर में गया था वियतनाम, उसके बाद मैंने कैमरा ही नहीं उठाया, बिल्कुल भी ट्रैवल नहीं हो पाया। तो आज मैं कैमरा उठा रहा हूँ, कैमरे से भी बात करने को मिल रहा है और साथ ही साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आई होप आप लोगों के कॉमेंट्स आएंगे और मुझे पढ़ने को मिलेंगे, तो वो भी मैं सोच के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। सो फिलहाल मैं बताता हूँ आपको कि कैसे और क्यों मैंने अपना शिफ्टिंग करी गुड़गांव से अपने होम टाउन हल्द्वानी में। क्रिएट हो रही थी बिकॉज सारा काम खुद करना पड़ रहा था, घर का खाना पीना। शुरू में तो काफ़ी मज़ा आया, मैंने वीडियोस भी बनाई कुकिंग से रिलेटेड और अपने इंस्टाग्राम में, अगर आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना, आईडी यहाँ कहीं आ रही होगी। धीरे धीरे ऐसे टाइम निकलता गया तो काम भी बढ़ता गया ऑफिस का, यू नो कभी कभी होता था कि लंच टाइम पे नहीं बन पाता था बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, और उसकी वजह से हमारा डाइट प्रॉपरली नहीं ले पाता था और सब कुछ गड़बड़ चल रहा था, खाना भी नहीं बन पाता था, कभी लेट सोते थे, कभी ऐसा, मतलब सब कुछ जो शेड्यूल है बिल्कुल गड़बड़ हो गया था, तो हेल्थ इश्यूज आने शुरू हो गए थे। तो आई थॉट कि यार बात करी जाए, तो मैंने जब अपनी कंपनी में बात करी तो उन्होंने एक प्रपोजल रखा हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए कि अगर आप चाहो तो जो वर्किंग फ्रॉम होम है वो एक्सटेंड कर सकते हो, और कुछ लोगों के लिए ऑफिस खुलने भी वाला है। तो मैंने सोचा कि यार अगर वर्किंग फ्रॉम होम एक्सटेंड हो सकता है और तो क्यों ना घर जाया जाए, बिकॉज देर इज़ नो पॉइंट कि आप वहाँ पर वो काम भी कर रहे हो सारा कुछ है और रिस्क भी ज़्यादा है, और फिर पेरेंट्स के साथ आप टाइम भी बिता सकते हो अगर आप घर पे रहते हो। तो मैंने सोचा और प्लानिंग करी कि अगर घर जाऊँगा तो एक लंबे समय के लिए जाऊँगा, बिकॉज छोटे समय के लिए जाना कोई पॉइंट नहीं है। तो फिर मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बात करी, तो लैंडलॉर्ड ने तो कुछ रेंट में रिलैक्सेशन नहीं बोला, बट तो मैंने सोचा कि यार अगर वहाँ रेंट पे कर रहे हैं, रेंट पे करने से अच्छा तो आप घर चले जाओ, और एटलीस्ट अगर आप 6 मंथ्स के लिए भी घर जाने की प्लान करते हो तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरा रेंट जो था वो 20,000 के आसपास था, और प्लस उसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी प्लस मीट का खर्चा और राशन वगैरह बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं। तो बट अगर आप घर शिफ्ट हो जाते हो एक बार, तो एटलीस्ट 6 मंथ्स के लिए अगर आप शिफ्ट होते हो तो आप अराउंड 1 लाख से ज़्यादा की सेविंग कर लेते हो। इंस्टाग्राम में मैसेजेस आए थे तो मुझे लगा कि यार सबको बताना चाहिए कि मैं कहाँ गायब हूँ और क्यों नहीं वीडियोज़ आ रही हैं, क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, और साथ साथ में थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है कि क्या मोटिव रहा और क्या बेनिफिट हैं अगर आप भी ऐसा करते हो। तो अगर आप बैचलर हो और अगर आपकी कंपनी अलाउ कर रही है, वैसे बहुत सारी कंपनीज अलाउ कर रही हैं वर्किंग फ्रॉम होम, तो आपको डेफिनेटली ये सोचना चाहिए कि अगर आप लोग दिल्ली NCR रह रहे हो या कहीं भी घर से बाहर दूर रह रहे हो जहाँ पे आपको रेंट देना पड़ रहा है, तो या तो आप लैंडलॉर्ड से बात करके रेंट हाफ करवा लो और सामान छोड़ के घर चले जाओ। अगर लैंडलॉर्ड मना करता है रेंट के लिए तो आप घर छोड़ दो, और अगर पॉसिबल है तो आप सामान लेके होम टाउन चले जाओ एटलीस्ट 6 मंथ के लिए। आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी, घर में पेरेंट्स के साथ रहोगे और एक थोड़ा माइंडसेट चेंज हो जाता है क्योंकि जगह चेंज हो जाए, और मैं तो यहाँ पे उत्तराखंड में रहता हूँ तो यहाँ पहाड़ हैं चारों तरफ, तो बाकी क्या बताऊँ। बट जैसे ही होम क्वारंटाइन खत्म होगा तो मैं छत में जाऊँगा और आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, मे बी बहुत अलग टाइप की वीडियोज़ आती रहे। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन है कि क्या वीडियोज़ होनी चाहिए तो आनी चाहिए वहाँ से, तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। और फिलहाल जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने का क्या प्रोसेस है, सो बेसिकली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, शायद आप लोगों को पहले पता भी होगा। आपको पास के लिए अप्लाई करना होता है, तो आप जिस स्टेट के हो
उस स्टेट में भी पास के लिए अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप जिस स्टेट में करंटली हो वहाँ से भी पास के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आप हरियाणा में हो तो आप हरियाणा की साइड में जाके, गवर्नमेंट की साइड में जाके पास अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उत्तराखंड के हो और करंटली हरियाणा हो तो उत्तराखंड की साइड में भी जाके कर सकते हो। बाकी इसके लिए क्या है कि आपको पास की डिटेल्स भरनी है, टैक्सी रेंट पे करनी है, उसका नंबर डालना है, और सारी डिटेल जब आप भर देते हो तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर पास आ जाता है। तो उसके जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप और लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ जाके आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उस साइट पे, तो आप जाके पढ़ सकते हैं कैसे कैसे करना है, और टिप्स भी बताई हुई है, थिंग्स टू नो बिफोर। सो गाइस, ये क्विक अपडेट था मेरी तरफ से कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और मैं कहाँ गया तक दिनों से, सब मैंने आपको बताई दिया है, और कैसे मैं इस लॉकडाउन सिचुएशन को हैंडल कर रहा हूँ। और आई होप आप लोग भी मेरे साथ ये शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में कि क्या आप लोग कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान, और आपको कैसा लगा ये आइडिया कि घर शिफ्ट होने का, क्या आप लोगों ने भी यही प्लान किया हुआ है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर शेयर करिए। और आजकल काफ़ी लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कुछ नए हेयर कट, कुछ नया लुक, और बहुत सारी अलग अलग वीडियोज़ आ रही हैं, फोटोज़ आ रही हैं। जैसे मेरी एक फ्रेंड है ख्याति, उसका चैनल है यूट्यूब चैनल ख्याति अनुज करके, तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी घर की वीडियोज़ बनाई हैं। और मेरे एक फ्रेंड है नवीन जी, माई ट्रैवल रन करके उनका यूट्यूब चैनल है, तो वो भी काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेके आ रहे हैं। तो आप भी बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं घर पे, और इनकी वीडियोज़ जाके ज़रूर देखिए, चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मुझे जितना हो सके अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, और कुछ भी क्वेरी है या फिर कुछ सजेशन है इस वीडियो को लेकर मुझे ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। मुझे हो तो नथू लाल जैसी, सेटिंग तो कर लूँ भाई, एक मिनट रुक जा, क्या पता कोई कमेंट ही कर दे, बहुत बढ़िया।